हेलो गाइस, और सब कैसे? आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जनरल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन फॉर ए प्लेन वॉल, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इनकी जनरल इक्वेशन बताई थी। तो जनरल इक्वेशन आप जान ही रहोगे, उसमें हीट कंडक्शन की जनरल इक्वेशन, समझ लो, मतलब कि आपका हीट कंडक्ट हो रहा है, हीट कंडक्शन हो रहा है थ्रू ए प्लेन वॉल। तो उस प्लेन वॉल में थ्री डायमेंशनल शेप अगर उस प्लेन वॉल की है तो उसके थ्रू हीट कंडक्शन, और उस प्लेन वॉल में कहीं हीट जनरेशन हो रहा है, ठीक है, हीट जनरेशन हो रहा है, और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो स्टेडियली हो रहा है या अनस्टेडियली हो रहा है, तो इन सब उस जनरल इक्वेशन में सारे टर्म आ जाते हैं, ठीक है। प्लेन वॉल आपकी की जो प्लेन वॉल है उसकी वो थर्मल कंडक्टिविटी है, वो कांस्टेंट है या टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, ठीक है, ये सब टर्म आ जाते हैं। तो ऐसे ही और मैंने आपको वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन के बारे में बताया था, उसमें हीट जनरेशन का टर्म नहीं था, कि अगर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर होता है, अगर कोई भी बॉडी है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर होगा। दो एक प्लेन वॉल है और उन एक प्लेन वॉल के आउटर साइड है एक इनर साइड है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो आपका हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब इस वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है पर उस प्लेन वॉल में अगर कोई एक्सटर्नली कोई सोर्स रखा हुआ है, हीट जनरेट करने वाला कोई सोर्स है प्लेन वॉल में, ठीक है, या सिलेंड्रिकल कोई सरफेस है उसके अंदर कोई हीट जनरेट करने वाला सोर्स रखा हुआ है और उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, और हीट जनरेट हो रही है तो वो जो उस प्लेन वॉल के थ्रू हीट कंडक्ट हो रही है, ठीक है, उस हीट जनरेशन सोर्स की वजह से हीट इजेक्ट हो रही है, ठीक है, और वो जो हीट उस सोर्स से निकल रही है वो कंडक्ट हो रही है थ्रू द प्लेन वॉल। ऐसे ही थ्रू द सिलेंड्रिकल बॉडी वो जो हीट है वो कंडक्ट हो रही है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर केवल हीट जनरेशन वाला टर्म है, ओके। तो उस हीट जनरेशन की वजह से क्या इक्वेशन निकल गया है, कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर केवल प्लेन वॉल में कोई केवल एक हीट जनरेटिंग सोर्स है उसकी वजह से हीट कंडक्ट हो रही है, ठीक है, और इस प्लेन वॉल के थ्रू एक एम्बियंट टेम्परेचर कुछ है, इसके दूसरी तरफ कुछ है, दोनों दोनों साइड में एम्बियंट इन्वायरमेंट है जिसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी दोनों साइड में सेम है, टी इन्फिनिटी मान लिया इस साइड भी, इस साइड भी टी इन्फिनिटी मान लिया, मतलब कि यहाँ से अगर जब ये देखो ये Q डॉट वाट पर मीटर क्यूब, कोई भी क्यू डॉट वाट पर मीटर क्यूब, कोई भी अगर हीट सोर्स रखा हुआ है, मतलब समझ लो ना, वाट पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी इसके अंदर हीट सोर्स रखा हुआ है, अब उस हीट सोर्स की वजह से हीट कंडक्ट हो रही है थ्रू द प्लेन वॉल, इस प्लेन वॉल के थ्रू हीट कंडक्ट हो रही है, इधर से इस साइड जा रही है और इस साइड भी जा रही है, और दोनों साइड का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो टी इन्फिनिटी है, इस साइड का भी इस साइड का टी इन्फिनिटी है, ओके। और जो इस साइड जो फ्लूड है दोनों साइड का फ्लूड सेम है, मतलब सेम हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है, सेम हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, इस साइड भी सेम हीट, मतलब सेम फ्लूड है और सेम टेम्परेचर इस साइड भी और इस साइड दोनों साइड, ओके। और ये मैंने मान लिया कि जो इस साइड की वॉल है इसका वॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है और इस साइड की वॉल का टेम्परेचर भी टी डब्ल्यू है, क्यों? देखो हम अजम्पशन मार रहे हैं। अजम्पशन, पहला अजम्पशन क्या है, पहला ज्यूम हमने माना है कि अब देखो जो इसकी विड्थ है इस वॉल की, मान ली मैंने 2L, और जो हीट जनरेटिंग सोर्स रखा हुआ है एक्स इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब इस एक्स इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है, तो जीरो मतलब इस साइड L और इस साइड -L, अब -L और L दोनों मिला के तो 12 हो गए, तो हीट जनरेटिंग सोर्स एक्स इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है। अब हमने अजम्पशंस क्या क्या मानने हैं कि पहला स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, देखो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर तो मानना है,
स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, मैं जो जनरल इक्वेशन है वो लिखूंगा, मतलब कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, तो इसका मतलब जो जनरल इक्वेशन में जो टाइम वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर मतलब, अब स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर मतलब क्या होता है, स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट चेंज नहीं है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर इस वॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है, इस वॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है, तो चेंज नहीं होगा, टी डब्ल्यू का टी डब्ल्यू ही रहेगा, टाइम चेंज होता रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर टी डब्ल्यू है तो टी डब्ल्यू ही रहेगा, इस वॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है तो टी डब्ल्यू ही रहेगा, समझिए, टी डब्ल्यू रहेगा, ऐसे ही टी इन्फिनिटी रहेगा, टी इन्फिनिटी चेंज नहीं होगा। स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर का मतलब यही है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो जो हीट ट्रांसफर है, जो हीट ट्रांसफर है वो भी चेंज नहीं होगा, हीट ट्रांसफर तो कॉन्स्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो हीट ट्रांसफर भी सेम रहेगा, वो भी चेंज नहीं होने वाला, समझे। तो पहला जंक्शन हमने क्या माना कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, कि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, समझे, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, समझे ना। तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो टी इन्फिनिटी है और जो टी इन्फिनिटी जो है वो ये रहना चाहिए, टी इन्फिनिटी यहाँ भी रहना चाहिए, और जो बॉल का टेम्परेचर है ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, समझे। अब क्योंकि यहां से हीट जनरेट हो रही है और इस वॉल के थ्रू हीट कंडक्ट होगी, और जो ये साइड है यहां से हीट कन्वेक्ट होगी, कन्वेक्टेड होगी इन्वायरमेंट में, अब यहां से भी हीट जो कन्वेक्ट होगी इन्वायरमेंट में, तो जो दोनों तरफ इन्वायरमेंट है वो भी सेम होने चाहिए, जो इन्वायरमेंट है यहाँ इस साइड का और इस साइड का दोनों का सेम होना चाहिए, तभी तो आपका जो हीट ट्रांसफर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर तो एम्बिएंट फुल इस साइड दोनों साइड सेम होने चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वन डायमेंशनल, जैसे कि मैंने जनरल इक्वेशन में थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड, तो यहाँ वन डायमेंशनल ले रहे हैं कि जो हीट का जो कंडक्ट हो रही है वो वन डायमेंशनल ही हो रही है, मतलब चाहे एक्स डायरेक्शन में हो रही है, वाई डायरेक्शन में हो रही है, जेड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन मान लिया हमने कि वन डायमेंशनल हीट कंडक्ट हो रही है, तो जनरल इक्वेशन में जो दो टर्म है वाई और जेड वो दोनों जीरो हो जाएंगे, है नी, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रही है। ओके और तीसरा क्या है, अब तीसरा ये है कि जो ये हीट जनरेशन हो रहा है यूनिफॉर्म हीट जनरेशन मतलब कि समझ रहे हो ना कि ये नहीं है कि केवल एक ही साइड, ये नहीं है कि हीट का जो हीट जो जनरेट हो रही है वो केवल इस साइड ही हो रही है, मतलब इस साइड ज़्यादा हो रही है हीट, इस साइड कम हो रही है, मतलब यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन, मतलब स्फेयर, जब क्या कहते हैं कोई भी पावर सोर्स है, अब जैसे आपका कोई लाइट बल्ब है तो वो जब वो अपनी लाइट ट्रांसफ़र करता है तो चारों दिशाओं में करता है, स्फेरिकली ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि स्फेरिकली चारों दिशाओं में एक समान करना चाहिए, है नहीं, चारों दिशाओं में, मतलब सामने भी एक जैसी लाइट है, आजू बाजू चारों दिशाओं में यूनिफॉर्म ही लाइट वो इमिट करे यूनिफॉर्म, ऐसे ही जो हीट जनरेट हो रही है वो ऑल डायरेक्शन में, मतलब चाहे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म हीट इमिट करे, रिजेक्ट करे, समझे। तो ये तो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन मतलब कि ओवरऑल सारी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन कोई सी भी डायरेक्शन हो, चाहे ये डायरेक्शन हो ये यूनिफॉर्म हीट का सप्लाई होना जो
हम ये मान के चल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, तो उससे क्या होगा कि जो हीट कंडक्ट जितनी इधर होगी उतनी हीट इधर होगी, है नहीं? एक तो ये हो गया यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, और जो सब और की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जो मैटर जो वॉल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। अब हम मान के चलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, वैसे थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड जो वॉल, सॉलिड जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी वेरी नहीं करती टेम्परेचर, वैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, पर अगर आप उसका डिफरेंस देखोगे, जैसे कि अगर मैं 300 केल्विन पे किसी भी सॉलिड वॉल है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर मैं 300 केल्विन पे निकालूं, ओके 300 केल्विन पे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी निकालूं तो कुछ आएगी, और 400 केल्विन पर निकाल लो तो कुछ है, उन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो बहुत कम आता है। तो हम एवरेज लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। पर अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रेंज की बात करोगे, जैसे 300 केल्विन और 1000 केल्विन दोनों कंपेयर करोगे, तो उसके उसमें आपको अंतर दिखाई देगा, वेरी करता है, ठीक है। पर यहाँ पर हम मीडियम टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो ज़्यादा वेरी करती नहीं है, तो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट है, ओके। तो ये चार चीज़ें जो ज्यूम करके चलेंगे हम, कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्वेश्चन जब जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया उसमें ये सब चीज़ें अगर आपको ज्यूम कर दे रखी हैं कि स्टेडी स्टेट है, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी है, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन है, अगर ये दे रखा है, जनरल इक्वेशन लिखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसा दे रखा होगा। अब जैसे जनरल प्लेन वॉल के केस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में जनरल इक्वेशन क्या कहती है, देखो क्या क्या कहती है, थर्मल कंडक्टिविटी में यहाँ पर कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ तो मैं थर्मल कंडक्टिविटी को पहले ही बाहर कर दूंगा, वरना जनरल इक्वेशन ये होती, देखो ये होती है ना, ना ये होती है नहीं। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी में ना जिम क्या चलेगा, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल वाला टर्म है बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आएगा यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर, तो मैं डिवाइड कर दूँ पूरे को, के से डिवाइड कर देता हूँ, जब के से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, और स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, मतलब कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन है मतलब वाई और जेड वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मान ली मैंने ये मान रखा है कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक्स है नहीं, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन दे रखा है। यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म बचा, के बाहर आ गया, के को मैंने डिवाइड कर दिया सबसे, तो डेल स्क्वायर टी ये बचा, और क्यू डॉट वाई के जब डिवाइड करा के से, और ये तो जीरो हो ही गया, तो ये टर्म निकल के आ गया। मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे रखा हो, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, अगर आपको हीट जनरेशन अगर आपको इसमें जीरो दे रखा होगा, अगर ये भी समझ लो, तो ये टर्म होते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होती हैं, इनिशियल कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो क्वेश्चंस में आपको दे रखी होती हैं। देखो जैसे यहाँ पर दे रखी हैं, यहाँ पर क्या दे रखी हैं देखो। अब पहले तो मैं इसको, क्योंकि डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसको ये डी स्क्वायर टी ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म आ रहा है अब,
ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब कैसे सॉल्व कर लें, देखो ऐसे डी स्क्वायर टी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू डॉट वाई के, ठीक है। अब भाई इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये क्या बचेगा, डी टी ओवर डी एक्स, और ये क्या होगा, माइनस क्यू डॉट वाई के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, यही होगा। अब ये तो पहले इक्वेशन हो गई, अब इसको भी खोल लो तो टेम्परेचर टी माइनस क्यू डॉट वाई के एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, इंटीग्रेशन करा ना, तो दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए चाहिए आपको बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस जो हमको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, जो जैसे यहाँ पर भी दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, देखो कि सी वन एक्स, अब यहाँ पर हमको दे रखा है x इज इक्वल टू L, क्या है टेम्परेचर TW, टेम्परेचर TW है, T क्या है TW, x इक्वल टू प्लस L पे, तो टेम्परेचर TW Q डॉट Y2 के x इक्वल टू प्लस L, L स्क्वायर प्लस सी वन एल प्लस सी टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस L, टेम्परेचर क्या है TW, माइनस क्यू डॉट वाई टू के एल स्क्वायर। अब देखो एक्स इक्वल टू माइनस एल है, तो माइनस एल करेंगे तो एल स्क्वायर होगा, और यहां पर क्या होगा माइनस सी वन एल, आ गया। अब भाई इसको सॉल्व कर लो तो यहां से क्या निकल आएगा, यहां से हम इसको सी वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सी वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, ये माइनस ये प्लस ये भी कट गया, तो बचा सी वन क्या आ गया, सी वन आ गया जीरो, आ गया सारे सब जीरो हो गए, तो सी वन जीरो हो गया। अब सी वन जीरो हो गया तो यहाँ पर सी वन जीरो रख दो, तो टेम्परेचर क्या आया, सी माइनस क्यू डॉट के एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी टू, ये बचा, है नहीं। अब ये बचा, ठीक है, अब x इज इक्वल टू L, अगर मैं x इज इक्वल टू L पे बात करूं तो टेम्परेचर कितना है TW है, अगर मैं x इज इक्वल टू L पे बात करूं टेम्परेचर कितना है TW है, तो x इज इक्वल टू L यहां रखो, ठीक है, TW x इक्वल टू L पे यहां C2, तो C2 की वैल्यू क्या आई, TW प्लस क्यू डॉट L स्क्वायर वाई टू के, समझे, तो C2 की वैल्यू यहां रख दो, तो T माइनस TW माइनस क्यू डॉट वाई टू के एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है नी, क्यू डॉट वाई टू के कॉमन ले लिया तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया। अब भाई फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर इस वॉल पे कहाँ पर होगा, मतलब जैसे ये हीट जनरेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इस वॉल पे कहीं भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर TW है इस सरफेस पे, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, होगा कॉन्स्टेंट ही, मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पर चेंज नहीं है, यहाँ पर TW है, यहाँ पर TW है, रहेगा TW ही, पर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टेम्परेचर होगा, मतलब कि यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और,
तो मैक्सिमम टेम्परेचर इस वॉल में कहाँ पर होगा? तो उसके लिए डी टी ओवर डी एक्स फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर इन द एक्स डायरेक्शन, डी टी ओवर डी एक्स जीरो होगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। तो डी टी ओवर डी एक्स अगर मैं जीरो करूँ तो मैंने जीरो कर दिया, तो ये क्या बचा? माइनस क्यू डॉट एक्स वाई के प्लस सी वन। अब सी वन तो आपका जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। तो मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ। मतलब इस वाली लाइन पे कहीं भी मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है। इस वाली लाइन पे कहाँ? यहाँ हो सकता है, यहाँ, यहाँ, कहीं भी हो सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्व टू जीरो रखूं, x इज इक्व टू जीरो, x इज इक्व टू जीरो, तो मैक्सिमम यहां पर देखो मैंने सेकंड वाली इक्वेशन में x इज इक्व टू जीरो रख दिया। ओके, तो सेकंड वाली इक्वेशन में x इज इक्व टू जीरो, यहां जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो c2 एक्स इज इक्व टू जीरो पे क्या क्या मिलेगा हमको? मैक्सिमम टेम्परेचर। तो टी नॉट, मैंने टी नॉट मान लिया, टी मैक्सिमम मान लिया, चलो टी मैक्सिमम मान लेता हूँ, तो सी टू क्या आ गया? टी मैक्सिमम आ गया। सी टू क्या आ गया? टी मैक्सिमम आ गया। तो ये तो यहाँ पर मैं रख दूँ टी मैक्सिमम, C2 की जगह T मैक्सिमम रख दूं, तो T इज इक्व टू माइनस क्यू डॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू के प्लस टी मैक्सिमम, है नी? तो T माइनस टी मैक्सिमम क्या आ गया? माइनस क्यू डॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू के। ठीक है, टी माइनस टी मैक्सिमम कर लो, या चलो टी माइनस टी मैक्सिमम कर लिया। है नहीं? टी माइनस टी मैक्सिमम क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू के। और t माइनस टी डब्ल्यू माइनस क्यू डॉट वाई टू के, तो मैक्सिमम टेम्परेचर एट x इक्व टू जीरो यहां पर रखो, x इक्व टू जीरो पे हमको क्या मिलेगा? t मैक्सिमम मिलेगा। तो t मैक्सिमम माइनस टी डब्ल्यू माइनस क्यू डॉट वाई टू के एल स्क्वायर। देखो x इज इक्व टू जीरो पर हमको क्या मिलेगा? t मैक्सिमम मिलेगा। तो t मैक्सिमम माइनस टी डब्ल्यू क्यू डॉट एल स्क्वायर वाई टू के। ठीक है, हाँ ये तो माइनस, ठीक है, ओके। अब देखो t मैक्सिमम माइनस टी डब्ल्यू तो ये प्लस होगा, नहीं है नहीं? और t माइनस टी मैक्सिमम, तो t मैक्सिमम माइनस टी क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू के। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये डिवाइड ये हो गया, तो q डॉट वाई टू से ये गया, तो क्या मिला हमको? हमको मिला t मैक्सिमम माइनस टी, टी मैक्सिमम माइनस टी डब्ल्यू एल डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां पर देख के लग रहा होगा, देखो अगर मैं टी और टी डब्ल्यू का अगर मैं देखो तो यहां को पैराबोलिक इक्वेशन लग रही है, पैराबोलिक, पैराबोलिक इक्वेशन, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होगी ऐसे करके।
पैराबोलिकली ये टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पर टी माइनस टी डब्ल्यू, टी माइनस टी मैक्सिमम, तो ऐसे सॉल्व होगा। अगर आपको क्वेश्चन में निकालने को तो दिया होगा कि टी मैक्सिमम निकालो, तो टी डब्ल्यू आपको दिया होगा और टी मैक्सिमम भी आपको अगर दिया होगा, तो आपसे यहाँ अगर टी मैक्सिमम आप निकाल लोगे, टी डब्ल्यू आपको दिया होगा और आपको कहा होगा कि एक्स इज इक्वल्स टू इतने पे इतना टेम्परेचर निकालो, तो आप एक्स यहाँ पर वैल्यू रखोगे और टेम्परेचर निकाल लोगे, ठीक है। तो ऐसा करके सॉल्व हुआ क्वेश्चन, ओके। तो अब देखते हैं, अगर ही क्या होता है कि अगर आपको टी डब्ल्यू नहीं दे रखा है, अब वो आपको दे रखा है कि इतना हीट जनरेट हो रही है, और आपको एम्बिएंट हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाओ। अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन मतलब कि जो हीट जितना हीट जनरेशन हो रहा है उतना हीट कन्वेक्टेड होगा। भाई एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह लगेगा, हीट तो एक फॉर्म से, मतलब अगर जहाँ से हीट जनरेट हो रही है, कंडक्ट हो रही है, तो कन्वेक्ट उतनी कन्वेक्ट होगी। अब जैसे कि यहाँ से हीट जनरेट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो अगर जैसे कि देखो मैं इसको मिटा लेता हूँ, अब जैसे हीट जनरेट हो रही है इस वॉल के थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q डॉट पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा 2L, इसकी विड्थ यह आ जाएगा, और सरफेस एरिया है नहीं, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हीट जनरेशन आ गया, ठीक है। अब जो हीट यहाँ से हीट जनरेट हो रही है वो इन्वायरमेंट में दोनों साइड हम देखो ये मान के चल रहे हैं, पहले से हमने ये माना हुआ है कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो जो दोनों साइड जो फ्लूड है वो सेम फ्लूड होगा, तभी जो हीट ट्रांसफर होगा वो स्टडीली हीट ट्रांसफर होगा, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर होगा दोनों साइड, तो हम सेम फ्लूड है, हीट जनरेशन हो रहा है, तो जो यहाँ से हीट जनरेट हुई दोनों साइड इक्वली, अब आपको पता है मैंने कहा ना यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, तो इस वॉल से और इस वॉल से कन्वेक्ट हो रही है हीट, अब मान तो टू टाइम्स, क्योंकि इस वॉल से भी हो रही है, इस वॉल से भी हो रही है, कन्वेक्टिंग एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दोनों वॉल का, दोनों साइड सेम फ्लूड है, सेम टेम्परेचर, एच एरिया सरफेस एरिया वॉल का, और टी डब्ल्यू इस वॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू और इस वॉल का भी टेम्परेचर टी डब्ल्यू है, माइनस टी इन्फिनिटी, इस यहाँ भी हीट टी इन्फिनिटी, यहाँ भी टी इन्फिनिटी, आपको क्यू डॉट पता होगा, एल और ए पता, ए से ए कट जाएगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपको पता होगा और टी इन्फिनिटी भी आपको पता होगा, तो आप टी डब्ल्यू यहाँ से निकाल लोगे वॉल का टेम्परेचर, ठीक है, तो वॉल का टेम्परेचर आप निकाल लोगे। अब जब वॉल का टेम्परेचर निकाल लोगे तो यहाँ से आप x इज इक्वल्स टू आप डी टी ओवर डी एक्स करके मैक्सिमम टेम्परेचर भी निकाल लो, मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लोगे तो आप फिर कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाओ, हीट जो जनरेट हो रही है दोनों वॉल के थ्रू, हम अजम्पशन से लेके चल रहे हैं स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो हीट जो एम्बिएंट फ्लूड है वो आपका सेम होगा,
और जो वॉल टेम्परेचर, दोनों साइड की वॉल का जो टेम्परेचर है वो भी सेम होना होगा, सेम होना होगा, तभी आपका जो एम्बियंट फ्लूड, जो कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर है वो सेम होगा, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हीट जनरेशन होगा सिलेंडर में, ठीक है, इसे मिटा लेते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करें। फिर हमने करा था हीट जनरेशन इन ए वॉल, प्लेन वॉल। अगर हीट जनरेशन इन ए सिलेंडरकल हम सरफेस दें कोई भी, जैसे आपका जनरल वायर है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वायर के थ्रू होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है ना, तो उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट जनरेट भी होती है। अब वो जो हीट जनरेट होती है, आवाज़ तो आ रही है, हाँ, जो हीट जनरेट होती है उस, तो वो कन्वेक्ट भी होनी होती है इन्वायरमेंट में। अगर कन्वेक्ट नहीं होगी तो आपका जो वायर है वो जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी खराबी आ सकती है वायर में। तो वायर के थ्रू जो हीट जनरेट हो रही है उसके अंदर वो कन्वेक्ट होनी है। तो ऐसा ही अगर कोई क्वेश्चंस आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जनरल इक्वेशन आपको पता है हम लिखेंगे अभी। अब जैसे कि ये वायर है, इस वायर के थ्रू देखो तो करंट फ्लो हो रहा है, और जो वायर करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो हीट जो जनरेट हो रही है, ठीक है, वाट पर मीटर क्यूब के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। वायर की लेंथ मैंने एल मान रखी है, वायर की रेडियस आर है, ठीक है, तो इसमें भी अजंप्शन हम लेके चलेंगे। क्या सबसे पहले स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का आपको मतलब पता है क्या, कि जो टेम्परेचर है वो नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मतलब कि जो सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, अगर मैं मान लूँ टी डब्लू, ठीक है, सरफेस पे जो टेम्परेचर है मान लूँ टी डब्लू, तो वो टी डब्लू ही रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, तो समझ गए। और दूसरा वन डायमेंशनल, अब जैसे कि हम बात करते थे ना कि अब सिलेंड्रिकल सरफेस में भी तो भाई थ्री डायमेंशनल होता है, अलॉन्ग द रेडियस, अलॉन्ग द लेंथ, अलॉन्ग द एंगल, थीटा एंगल, है नी, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है। तो मतलब अलॉन्ग द आर, अलॉन्ग द रेडियस मान के चल रहे हैं, अलॉन्ग द रेडियस मान के चल रहे हैं, अलॉन्ग द लेंथ भी नहीं हो रहा है और अलॉन्ग द एंगल भी नहीं हो रहा है, जो एजीमूथ एंगल होता है, तो अलॉन्ग द आर मान के चल रहे हैं, तो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है। और थर्मल कंडक्टिविटी जैसा कि कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, हम पहले वाले मानी थी, ठीक है, जो और जो इलेक्ट्रिक जो करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो यूनिफॉर्म, मैंने कहा ना यूनिफॉर्मली हीट जनरेट, यूनिफॉर्मली, ऐसे कोई भी अगर लाइट बल्ब होता है उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म पूरे कमरे को रोशन करती है, तो पूरे कमरे में जो इंटेंसिटी लाइट है अगर हर डायरेक्शन में उसकी लाइट की इंटेंसिटी जाती है, ऐसे ही यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्मली जो करंट की वजह से जो हीट का फ्लो हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये चार अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं, जैसे जो हमने प्लेन वॉल के केस में भी माने थे। टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर इज ऑनली फंक्शन ऑफ क्या, रेडियस आर, अलोंग द रेडियस, ओके, और वन डायमेंशनल हीट, रेडियल हीट कंडक्शन हो ही रहा है। तो ये जब चारों चीज़ें मान के चल रहे हैं, अब जनरल इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, अगर मैं लिखूं थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है तो वो मैंने पहले से ही थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट मान के लिखा है, तो जनरल इक्वेशन ये थी। ठीक है, ठीक है,
ओके, ये थी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या थी? ये थर्मल कंडक्टिविटी मेरे कांस्टेंट मान के चलिए, तो मैंने पहले से ही उसको यहाँ पर रख रखा है। वन वाई अल्फा का मतलब आपको पता है, अल्फा के वाई रो सी पी। ये अलोंग द आर है, ये अलोंग द थीटा है, ये अलोंग द जेड डायरेक्शन मतलब अलोंग द लेंथ है। अब हम वन डायमेंशनल मान के चल रहे हैं तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। और स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो सारे जीरो हो गए, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास केवल ये बचा, वन बाई आर डेल ओवर डेल आर, आर डेल टी ओवर डेल आर माइनस क्यू डॉट वाई के, समझ गए? अब आर को मैं इस साइड ले जाऊंगा, या आर इस साइड आ गया तो ये हट गया, ठीक है। अब इस तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आर अब तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मैं डी वाई डी आर लिख देता हूँ ना, डी वाई डी आर, क्योंकि सब टाइम हट गया, डी टी वाई डी आर इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट वाई के आर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका डिफो करो क्या इंटीग्रेशन, तो माइनस क्यू डॉट वाई के आर का क्या होगा, आर स्क्वायर वाई टू प्लस सी वन, ठीक है। अब ऐसे ही आर को मैं इस साइड ले गया, डी टी वाई डी आर, तो माइनस क्यू डॉट वाई के आर वाई टू बचा, और ये सी वन वाई आर, ये सी वन लिया, ठीक है। अब इसका भी इंटीग्रेशन, टी टी माइनस क्यू डॉट वाई के आर स्क्वायर बचा, फोर के हो गया, प्लस सी वन वन वाई आर का क्या होगा, एल एन आर प्लस सी टू। तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई भाई, दो इक्वेशंस, दो कांस्टेंट सी वन और सी टू, तो दो बाउंड्री कंडीशंस, सी वन और सी टू दो कांस्टेंट आ गए। दो कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए हमको दो आपको बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होंगी, दो इनिशियल्स कंडीशन चाहिए होंगी जो इसको सॉल्व करेंगे। तो सी वन और सी टू तो कैसे सॉल्व करें, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट आर इजकल्स टू कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, सरफेस आर रेडियस। तो आर पे टेम्परेचर कितना है, टी डब्ल्यू, ये हमने माना है टेम्परेचर टी डब्ल्यू, जो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है उसका टेम्परेचर टी डब्ल्यू है। कांस्टेंट माना स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, समझ रहे हो ना, मैंने कहा ना स्टेडी स्टेट ट्रांसफर है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। और स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होने के लिए अब देखो, अब इस वायर के बाहर से जो एम्बियंट कंडीशंस है, जो इन्वायरमेंट है, उसका भी मैं मान के चल रहा हूँ कि हीट ट्रांसफर कोफिशियंट H है और T इन्फिनिटी, इस वायर के बाहर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशियंट H है और T इन्फिनिटी है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। ये सब होना पड़ेगा क्योंकि स्टडी स्टेट, फॉर ए स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, समझे। तो पहली कंडीशन एट आर इक्वल्स टू आर टी इक्वल्स टू टी डब्ल्यू। और दूसरी कहाँ से निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे हम एनर्जी बैलेंस करके। भाई एनर्जी बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले तो ये वाली रख देते हैं, तो एट आर इक्वल्स टू आर टी इक्वल्स टू टी डब्ल्यू, एट आर इक्वल्स टू आर टी इक्वल्स टू टी डब्ल्यू। अब चलो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पहले लगाते हैं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब एनर्जी बैलेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो भाई वो तो हर जगह लगेगा। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, तो जो हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू करंट का जो फ्लो है, उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, होगी जनरेट तो हीट करंट के फ्लो की वजह से। हीट जो जनरेट हो रही है वो इस सर्फ, जब हीट कंडक्ट होगी थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस कंडक्ट होगी, और
इन्वायरमेंट में कन्वेक्ट होगी, समझ रहे ना। अगर मैं स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर की बात करूं, अब हीट जनरेटेड इन द वायर, जो हीट जनरेट हो रही है इन वायर, वो क्या होगी, कंडक्ट होगी थ्रू द सरफेस, कंडक्ट थ्रू द सरफेस। अब मैं एट रेडियस आर पे बात कर लो, एट ए रेडियस आर होगी कंडक्ट। अब देखो, अब हीट जनरेट कितनी हो रही है, क्यू डॉट पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होता है, सिलिंड्रिकल सरफेस का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। इतनी हीट जनरेट हो रही है इस, और कंडक्ट थ्रू द सरफेस, जो सरफेस है यहाँ पर कंडक्ट होगी, यहाँ पर तो कंडक्ट होगी, तो यहाँ पर कंडक्ट होगी तो कितनी, क्यू डॉट। अब आपको क्या है, कंडक्शन क्या होता है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने कांस्टेंट मान ली है माइनस के, एरिया सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल, ये सरफेस एरिया है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, एल लेंथ, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, के ए डेल टी, डेल टी ओवर डेल आर, डेल टी ओवर डेल आर एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, समझ गए, एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो डेल टी की जगह क्या ले सकते हैं, डी टी, है नी, डी टी ओवर डी आर एट आर। अब देखो यहाँ पर टू पाई से पाई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया, डी टी ओवर डी आर कितना आया, माइनस क्यू डॉट डिवाइडेड बाई टू के आर, आया नहीं आया, है नहीं, ये आया। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर पहली इक्वेशन में डी टी ओवर डी आर एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रख दूँ, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रख दूँ, तो कितना आएगा, माइनस क्यू डॉट वाई के टू के आर प्लस सी वन डिवाइडेड बाई आर। अब देखो ये भी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे था, ये भी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ से ये वाला टर्म है ही नहीं, तो यहाँ से क्या कंपेयर करोगे, तो क्या आया, सी वन इज इक्वल टू जीरो आया, सी वन इज इक्वल टू जीरो दिख रहा है ना। अब देखो कंपेयर करोगे तो C1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू जीरो है, C1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू जीरो है नहीं, तो C1 इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो, अब R इज इक्वल टू आप जीरो रखोगे, अब यहां पर भी आप देख सकते हो R सी वन, या तो सी वन जीरो होगा या आर जीरो होगा, दूसरे वाली इक्वेशन में सी वन जीरो होगा या आर जीरो होगा। अगर सी वन जीरो करोगे तब तो टेम्परेचर आपका फाइनाइट होगा, आर जीरो करोगे तो एल एन जीरो की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो टेम्परेचर आपका इनफाइनाइट हो सकता है, तो यहाँ से सी वन जीरो होगा, तो सी तो टेम्प यहाँ से क्या वैल्यू आई, क्यू डॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर के प्लस सी टू, क्योंकि सी वन जीरो हो गया, ठीक है। पहली बात तो एक सी वन तो आ गया हमारे पास। अब जैसे मैंने कहा, क्या कहा, एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर टी इज इक्वल टू टी डब्ल्यू, तो यहाँ रखो एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर टी इज इक्वल टू टी डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू माइनस क्यू डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर के सी टू, तो सी टू की वैल्यू क्या आ गई, टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर के, तो यहाँ पर रख दो, क्या रख दो, टी टी माइनस टी डब्ल्यू और क्यू डॉट डिवाइड बाई फोर के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह आ गया एक तो इक्वेशन, है नी। अब आपको चाहिए होगा कि अगर R की कहीं भी निकालना है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं।
अब जैसे कि आपको चाहिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर इस जो वायर है कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आपको क्या कहा मैंने, डी टी ओवर डी आर इक्वल्स टू जीरो करो, डी टी ओवर डी आर, तो यहाँ से क्या आएगा, डी टी ओवर डी आर जीरो करा और सी वन भी आपका जीरो है तो आर इक्वल्स टू जीरो, जीरो पे आएगा, मतलब कि यहाँ पर इस लाइन के अलॉन्ग कहीं पर भी टेम्परेचर आपका मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे कि क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो टी माइनस टी डब्ल्यू, ये तो ये भी पैराबोलिक, ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा पैराबोलिकली वेरिएशन, यहाँ पर मैक्सिमम है यहाँ पर कम, ऐसे मैक्सिमम, समझ गए। अब टी मैक्सिमम कैसे निकलेगा, अब मैंने क्या कहा एट आर इज इक्वल टू जीरो पे टी मैक्सिमम है, एट आर इज इक्वल टू जीरो यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा टी मैक्सिमम, तो आर इज इक्वल टू जीरो पे सी टू क्या आ गया टी मैक्सिमम आ गया, तो सी टू की जगह मैं टी मैक्सिमम रख देता हूँ, तो टी माई इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर के प्लस टी मैक्सिमम, है नी, टी मैक्सिमम रख दिया। ओके अब ऐसे ही, अब देखो तो यहां पर क्या आ गया, ये टी माइनस, चलो टी मैक्सिमम माइनस टी इज इक्वल टू क्यू डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर के, यह आ गया। अब ऐसे ही R इज इक्वल टू जीरो पे आपको पता है T इज इक्वल टू टी मैक्सिमम, तो T मैक्सिमम माइनस टी डब्ल्यू क्यू डॉट कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई फोर के, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो T माइनस माइनस टी और T माइनस माइनस टी डब्ल्यू, तो ये क्या हो गया स्मॉल R डिवाइड बाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने कहा स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर वाला, कि हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट कंडक्टेड थ्रू द सरफेस और इज इक्वल टू हीट कन्वेक्टेड, हीट कन्वेक्टेड टू द एनवायरनमेंट, कन्वेक्टेड भी तो हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं देखो, अब हीट कन्वेक्टेड भी तो हो रही है, तो यहां से आप देखो हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम Q डॉट पाई स्क्वायर L, ये हो गया हीट जनरेटेड इन द वायर। अब हीट कन्वेक्टेड टू द एनवायरनमेंट क्या होगा, H हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 2 पाई R सरफेस एरिया और TW माइनस T इन्फिनिटी। अब यहाँ से आप पाई से पाई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो आर से एक आर कैंसिल, टी डब्ल्यू निकाल सकते हो, टी इन्फिनिटी आपको दिया होगा, एच आपको दिया होगा, आर आपको दिया होगा, क्यू डॉट आपको टेम्परेचर, वॉल का टेम्परेचर, जो सरफेस एरिया है उसकी वॉल का टेम्परेचर आप बदल जाए, कुछ भी निकाल सकते हो, आपको पता है बाउंड्री कंडीशंस ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं उसको, समझ गए। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन हीट जनरेटेड इन द वायर, हीट कंडक्टेड थ्रू द सरफेस, हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम टू द एनवायरनमेंट, समझ गए। और कि वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये सब चीज़ें। ओके अब क्वेश्चंस मैंने इसके प्रीवियस ईयर में जितने भी गेट में क्वेश्चंस आए हैं सारे करा रखे हैं, आप देख लेना। ओके और चलिए आगे मिलते हैं फिर, अब आगे पढ़ेंगे हम फिन्स के बारे में, जितनी भी एक्सटेंडेड सर्फेसेस होती हैं सबके बारे में देखेंगे। ओके चलिए।